ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो खालिक अर्ज़ो समा मुदब्बरीन सुजा है और हज़ारों दुरूद उसके नबी मुख्तरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन और मुअल्लम आज़म है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि आपको हरियतों और अफ़ियतों के साथ रखे और हमारे शब व रोज़ को अपनी पसंदीदा राहों पे चलने की तौफीक दे दे और उसी राह में चला दे, उसी को बेहतर बनाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। अल्लाह करीम हमारी कोशिशों को कबूल फरमा ले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक अपने माह व साल को हम बेहतर तरीके से गुजारने की कोशिश में मसरूफ़ रहें। मेरे रब को ये कोशिशें बड़ी महबूब हैं। कुरान की आयात आती होती हैं, उनके मफहूम आप जानते होते हो कि आपका रब आपकी सही का बड़ा कदरदान है, आपकी कोशिश का बड़ा कदरदान है। तो उन्हीं कोशिशों के साथ हम अपनी इस राह गुजर से गुजरते जा रहे हैं। आप जानते हैं दुनिया एक इम्तिहान गाह है। जैसा कि कहा जाता है, दुनिया दारुल फना है, आखरत दारुल बका है। दुनिया दारुल गुरूर है और आखरत दारुस सुरूर है। काश कि हम इस बात के मफहूम को समझ सकें। आपने बड़े खूबसूरत अल्फाज सुने थे, मौलाना रूम लिखते होते हैं कि फ़ानी की मोहब्बत फना की तरफ ले जाती है और बाकी की मोहब्बत बका की तरफ लेके जाती है। जैसा कि बताया जाता है और आप जानते हैं कि दुनिया और दुनिया की हर शय, हत्ता के हम खुद भी ख़त्म हो जाने वाले हैं, फना हो जाने वाली चीज़ें हैं। तो इनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाकी रखने के लिए जो मामलात दिए थे वो जिक्र अल्लाह था। अल्लाह के वो बंदे जो अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहें, यानी कह लीजिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके नाम बाकी रखता है। कुछ अल्फाज बड़े जानने वाले अल्लामा इकबाल ने आपको तारीफ के तौर पर बताए थे और कहा जाता है कि इकबाल, किसके इश्क का ये फैज़ आम है, रोमी फना हुए हबशी दवाम है। कि वो जिनकी बड़ी ताकतें और बड़े नाम हुआ करते थे वो सफ़े हस्ती से मिट गए और जो हबशा से हिजरत करके आने वाले ग़ुलाम थे, सैयदना बिलाल के नाम से, रज़ी अल्लाह ताला अन के नाम से, दुनिया उनके नाम से वाकफ है। तो इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िंदगी गुजारने का जो तरीका हमें दिया है वो एक बड़ा खूबसूरत सा एक तरीका है, वो है एतदाल की राह पे चलना, एतदाल के ज़रिए से अपने आप को, इसलिए कि अल्लाह का दिया हुआ कानून है कि एतदाल को के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारिए। अब एतदाल का मामला जो है वो किसी एक, कह लीजिए जो सिमत होती है, उसकी बात नहीं होती। कई मामलात आपके दुनिया के और ज़िंदगी के होते हैं जिसमें आपको एतदाल चाहिए, जिसमें चाहे वो कह लीजिए आपके दुनिया के मामले हों, खाने पीने के हों, रहने सहने के हों, इबादत के हों, मईशत के हों, माशरत के हों, सियासत के हों, दीन के हों, आपके हर मामले में, हत्ता कि आपके किरदार अखलाक की भी बात जो आती है उसमें एतदाल आपको, जो आपको कह लीजिए जो तरीका दिया गया था वो एतदाल का है कि आप अदलो इंसाफ से रहिए, मयाना रवि का रास्ता अपनाइए, एतदाल और जस्टिस की राह पे चलते जाइए। कुरान के कुछ कह लीजिए रिमाइंडर हम साथ और आयात को साथ लेके चलेंगे, इसलिए कि बेहतरीन और अथेंटिक जो हमें रिमाइंडर आते हैं वो अल्लाह की किताब से ही आते हैं और अल्लाह की किताब के ज़रिए से जो इस्लाह होती है और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान जो हमारे लिए और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसे मुबारिका जो हमारी इस्लाह के लिए आती है वो आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए, सजाने और संवारने के लिए आती है। कुछ जुमले लिखे जाते हैं बड़े खूबसूरत से लगते होते हैं कि जिंदगी का एक उसूल है राज अल्लाह का, रिवाज मोहम्मद रसूलुल्लाह का, बाकी सब फजूल है। अल्लाह हमें तौफीक दे तो हम राज अपने रब का, बादशाहत सल्तनत कायनात उसी की और रिवाज और सुन्नत मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यही कामयाबी के रास्ते होते हैं और यही राहें जो आपको दी गई हैं यही एतदाल की राहें होती हैं। कोशिश करना है
कि हम साथ साथ वही कह लीजिए, कुरान की आयत ही आपने पढ़ी थी, कुरान की आयत में आया था कि अल्लाह का कुरान कहता है कि लोगों के दिलों को जंग लग जाता है, तो उस जंग को दूर करने के लिए आपको जिक्र अल्लाह दिया गया है कि जो मामलात हैं जो जंग आलूद हो चुके हैं वो अल्लाह के जिक्र से उस जंग को उतार दीजिए, अल्लाह की वो आयात जो हैं उस तरीके से जो इस्लाह के लिए आई हैं उनको सुनते जाइए तो दिल चमकते जाएंगे, वो नूर से, ईमान से, अल्लाह की मोहब्बतों से दिलों के अंदर एक चमक पैदा हो जाएगी। जैसा कि आप पहले भी जानते हैं, इल्म की बात हम करते होते हैं, इल्म और इश्क की बात होती है। इल्म यानी अथेंटिक इल्म आपके पास कुरान और सुन्नत का होना, और इश्क कह लीजिए अल्लाह की जात और अल्लाह के महबूब से दिलों का उस मोहब्बत और इश्क से मुनव्वर हो जाना। ये दोनों चीजें जब मिलती हैं इंसानियत की उस मंजिल पे पहुंचता है जिस मंजिल और जिस मुकाम के ऊपर फरिश्तों ने इसको सजदा किया है। तो वही कह लीजिए, अल्फाज अलामा इकबाल के ही लिखे हुए मिलते हैं कि फरिश्ता कहने से मेरी तोहीन होती है, मैं मस्जूदे रहने दो। अल्लाह ने ये मर्तबा और मुकाम इंसान को दिया है, जैसा कि कुरान की ही सूरतें आपको मिलती हैं, वत्तीनी वज़ैतून वतूरीसीनी अल इंसान फी अहसनी तकवीम, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस इंसान की इतनी कस्में खाने के बाद बताया कि इस इंसान को आसन तकवीम के ऊपर बनाया गया है, पैदा किया गया है। तो इसलिए ये मामलात जो हैं ये हमारे लिए रिमाइंडर ही होते हैं कि अल्लाह करीम ने हमें कौन सा मर्तबा और मुकाम दिया है, तो उस मर्तबे और मुकाम को आप उस हुए और उसको कहीं अपने हाथ से गिरने ना दें और उसी के मुताबिक ही अपनी इस्लाह करते जाएं। कुरान की आयत को साथ लेके चलते हैं, कुरान की आयत आती है, अल्लाह का कुरान कहता है इन्नल्लाहा, बेशक अल्लाह, सूरह नहल की आयत है, सूरह नहल की आयत आती है इन्नल्लाहा, बेशक अल्लाह, यअमुरु बिल अदल वल इहसान, बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत हुक्म देता है आपको किस चीज का, ये अमरू हुक्म देता है, बिल अदली वल एहसान, अल्लाह रब्बुल इज्जत अदल का हुक्म दे रहा है और एहसान का हुक्म दे रहा है, व ईताइज़िल कुर्बा, और अल्लाह रब्बुल इज्जत कराबत दारों के साथ अच्छे सलूक का, उनके साथ ताल्लुक कायम रखने का, उनके साथ नरमी करने के हुक्म और उनको देने के हुक्म देता है, वयन्हा अनिल फाख्शा, और अल्लाह करीम का हुक्म है, वयन्हा ये मना कर रहा है रब आपका किस चीज से, अनिल फाख्शाई, अल्लाह करीम आपको फहाशियों से, फुहश कामों से, फुहश बातों से, फुहश नजरों से, फुहश ख्वाहिशों से अल्लाह करीम आपको रोक रहा है, अल्लाह करीम आपको मना फरमा रहा है, वलमुनकरी, और नकारा चीजों से अल्लाह मना फरमाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत नापसंदीदा से मना फरमाता है, जो अल्लाह को नापसंद है उससे रोकता है, वलबागिया, और आगे बढ़े जाने वाले अल्फाज हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको बगावत से रोकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि दीन की हदें हैं, शरीयत की हदें हैं, सुन्नत की हदें हैं, हदों से तजावज करने वाले बागी होते हैं। जैसा आप जानते हैं कि मुल्क की एक हद होती है, सरहद होती है, सरहद को अबूर कर जाने वाले और उस सल्तनत के ऊपर कह लीजिए जो आपके लिए हुक्म होते हैं, हुक्म की फरमा बरदारी ना करने वाले और हदों से तजावज कर देने वाले, उनको बागी कहा जाता है, वो बगावत कानून के साथ कर देते हैं, यानी बागी हो जाना, हदों को तोड़ देना। अल्लाह का कुरान कहता है कि अल्लाह मना करता है बगावत ना करना, इसलिए कि हमारे लिए भी एक कानून दिया गया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, वही कह लीजिए कुरान की ही आयत आई थी कि ऐ लोगो, इस्लाम में या अय्युहल्लज़ीन आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ्फा, ऐ लोगो जो इस्लाम लाए हो, इस्लाम में दाखिल हुए हो, वो मुकम्मल तौर पे इस्लाम पे दाखिल हो जाना, और उसकी बाउंड्री लाइंस भी हैं, उसका ड्रेस कोड भी है, उसके कानून भी हैं, उसकी हदें और दरवाजे भी हैं, उन सब की हिफाजतें करना, ऐसा ना हो कहीं जो अल्लाह ने हदें दी हैं उन हदों से तजावज़ हो जाए। कुछ छोटे से मामलात जानने वाले होते हैं, आप जानते होते हैं कि जहां कहीं कुछ तालीमी इदारे ही देख लीजिए, जो बड़े प्राइवेट और बड़े खास तौर पे होते हैं, उनके भी अपने ड्रेस कोड और अपने कवानीन होते हैं। अगर बच्चे या कह लीजिए
ऑक्यूपेंट उस ड्रेस कोड और उस कानून की इत्तबा नहीं करते तो उनको उन इदारों से खारिज कर दिया जाता है, उनको निकाल दिया जाता है, उनके दाखले रोक दिए जाते हैं। तो ये मेरे रब का एहसान है कि उसने हमारे दाखले जो हैं हमारे लिए आसान किए हुए हैं, पर कह लीजिए कि उसका एक कानून है, एक बुकलेट दी गई है और उस बुकलेट के तहत, उस कानून के तहत हमें भी ड्रेस कोड भी दिए गए, हमें भी हद भी दी गई। जो उसके अंदर रहें वो उस इदारे के मेंबर रहते हैं, जो उसकी हदों से तजावज कर जाएं, उसके कानून से बगावत कर जाएं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी बगावत करने से मना फरमाता है, यही इस आयत में कहा जा रहा है। आगे एक बात आ रही है बड़ी जानने वाली, यईज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें वाज कर रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें नसीहत कर रहा है, मेरे रब की तरफ से तुम्हें समझाया जा रहा है। ये जो बात बताई गई है ये कायनात का मालिक आपको सिखा रहा है कि देखना कौन से मामलात के हुक्म दे रहा हूँ, अदल और एहसान करना, हुक्म दे रहा हूँ रिश्तेदारों से अच्छे सलूक रखना, हुक्म दे रहा हूँ कि बुराइयों से, फहाशियों से और नकारा से अपने आप को बचा के रखना और बगावतों से अपने आप को बचा के रखना, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से तुम्हें नसीहत मिल रही है। लअल्लकुम तज़क्करून, शायद कि तुम तज़करा पकड़ लो, शायद कि तुम नसीहत ले लो, शायद कि तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत की बात को मान जाओ और अपनी इसलाह कर लो। तज़करा क्या होता है, ये बात भी बड़ी खूबसूरत सी होती है। जिक्र अल्लाह क्या होता है, जिक्र अल्लाह कह लीजिए, आप आसान अल्फाज में यही कह लीजिए, ये एक ऐसा केमिकल है जो दिलों के जंग उतार देता है, ये एक ऐसा केमिकल है जो सुस्ती और कहलियों को हटा देता है, ये ऐसा केमिकल है जो आपके पास से मोहब्बतें जो हैं आपके दिलों को मुनव्वर कर देता, चमका देता और आपके दिलों को खूबसूरत बना देता है। ये कह लीजिए इसके जरिए से गंदगियां उतर जाती हैं, गलासतें उतर जाती हैं, गुनाह मिट जाते हैं, खताएं मिट जाती हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बतें आपके ऊपर उंडेल दी जाती हैं। तो ये कह लीजिए कि आपको जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कि इस तरीके से तुम जिक्र में शामिल हो जाओ। एक चीज और आपको रिमाइंडर देती चलूं, जिक्र सिर्फ जुबान नहीं करती है, जिक्र हर अज़ा करता है। आपकी जुबान भी अल्लाह का जिक्र करती है, आपकी आंख भी, आपकी जुबान बोल बोल के अल्लाह का तज़किरा करती है, आपकी आंख आजजी के साथ, नदामत के साथ झुक के अल्लाह के तज़किरे करती है, शर्मिंदगी के साथ आंसू बहा के अल्लाह का तज़किरा करती है, आपके कान नकारा और फजूलियात को रोक के और अल्लाह की बात को सुनने में मशगूल रख के अल्लाह का जिक्र करते हैं, आपके दिल अल्लाह की मोहब्बतों में चूर हो के अल्लाह का जिक्र करते हैं, आपके अज़ा जो हैं वो अपने आप को बुराइयों से रोक के और रब की राहों पे चल के अल्लाह का तज़किरा करते हैं, ये कदम मस्जिदों की तरफ बढ़ के अल्लाह का जिक्र करते हैं, ये हाथ हक के तरफ चल के और किसी जरूरतमंद का हाथ थाम के, किसी मुसीबत जदा का हाथ पकड़ के उसको परेशानी से निकाल के अल्लाह का तज़किरा कर रहे हैं, ये जिस्म के रूम अल्लाह के आगे शर्मिंदगी और नदामत में खड़े होके और खशियत इलाही से डर के हर जगह पे अपनी जड़ पे कांपते हुए खड़े होके जिक्र इलाही करते हैं। इसलिए अल्लाह सिर्फ जुबान की बात नहीं है, जिक्र अल्लाह रूए रूए है, अपने रूए रूए को, अपनी सांसों को अपने रब के तज़किरे से हर वक्त कह लीजिए उसी तरीके से जारी और सारी रखा कीजिए और उसी तरीके से मुलव्वस रखा कीजिए। इसलिए इंसान को अल्लाह की पर पूरे का इंसान जिक्र अल्लाह में मशगूल होता है, उसके दिल और उसकी मोहब्बतें और उसकी समातें और उसकी बसारतें अल्लाह के जिक्र में मशगूल होती हैं। इसलिए अपने वक्त को अल्लाह के जिक्र में गुजारते रहिए, अपने आज़ा को अपने रब की हशियत में रखते रहिए। ये बेहतरीन मामला आपके लिए कुरान की तफसीर में आता है, तफसीर इब्ने कसीर कहती है जब बंदे के हशियत इलाही से इस बंदे के जिस्म के रूहें खड़े होते हैं, उसके जिस्म के सारे गुना नीचे गिर पड़ते हैं और उसके सारे गुना उतर जाते हैं और अल्लाह का बंदा अल्लाह की मोहब्बतों में लबरेज होके अल्लाह के यहाँ कुर्ब के मुकाम पा लेता है। इसी तरीके से आपको कई मामलात बताए जाते हैं कि यही कह लीजिए सबसे पहला आपका ईमान जो था वो तो आपका ईमान ही गैब के ऊपर ईमान था। आपने ये जहन में रखना है आपके रब की जात समी और बसीर है, आपके रब की जात अलहई और अलकयूम है, आपके रब की जात आपके पास हर वक्त मौजूद है और कह लीजिए आप भी हर वक्त अल्लाह की निगाह में हो।
इसी तरीके से जब आप इस चीज को हर वक्त याद रखते रहें और आपके पास ये रिमाइंडर आते रहें, तो यकीन मान लीजिए गुनाह करते हुए भी शर्मिंदगी होती है और अल्लाह की हद तोड़ते हुए भी नदामत होती है। इसलिए आपका उस चीज को याद रखना, जैसा कि कुछ अल्फाज एक बुजुर्ग ही हैं, उन्होंने ही लिखे थे कि मैंने जिंदगी में बड़ी किताबों के मुताले किए और उन मुताले करने के अपने लिए चंद चीजें सुनी हैं और अपने लिए चुनी हैं कि जिससे मैं अपनी इसलाह कर सकूं, और अपने नफ्स के लिए वो ये चुनी कि अपने रब की इबादत करता रहे। अगर तू ऐसा नहीं कर सकता तो उसका दिया हुआ रिस्क मत खा। ए नफ्स, जिस चीज से तेरे रब ने तुझे रोक दिया, हराम चीज से अपने आप को बचा ले, रोक ले, नहीं तो उसका मुल्क छोड़ दे। ये कह लीजिए बड़े खूबसूरत से मामलात और अल्फाज उन्होंने लिखे थे। ए नफ्स, गुनाह न करना, अगर तू गुनाह करना चाहता है तो कोई ऐसी जगह तलाश कर जहां पे तेरा रब ना देखे। ये मामलात बड़े ही जानने वाले और बड़े ही खूबसूरत कह लीजिए जो बुजुर्गाने दीन हैं, जो औलिया अल्लाह हैं, हमारे लिए बड़े खूबसूरत से कह लें कि कुछ सीखने के लिए मामलात और किताबें और अल्फाज और कलिमात देके गए। और सबसे बड़ी बात, आपके पास किताब अल्लाह है जिसके जरिए से हम अपनी इस्लाह करते जाएं और अपने शब व रोज को चमकाते जाएं, और मेरे नबी के फरमाए से हमारे इखलाक जो हैं बेहतरीन हो रहे हैं और हम अपनी अधहदों को पहचान सकते हैं। कुछ बातें बड़ी खूबसूरत सी लगती होती हैं, जानने वाली लगती हैं, जैसा कि यहाँ पे आप कह लीजिए कुरान की यही आयत हम पढ़ रहे हैं कि अल्लाह का कुरान कहता है कि वाउफ बि अहदिल्ला, और अल्लाह के साथ किए गए वादे पूरे करना, ये तुमने अल्लाह से वादे किए थे। इजा अहद, तुम जब तुम वादे कर लो, वला तनकुजुल ईमाना, देखो अपने ईमान नाकुस ना कर लेना, अपनी कस्में अपने इरादे अपने वादे नाकुस ना कर लेना, बाद तौकीदिहा, उनको मजबूत करने के बाद, अल्लाह के साथ पक्के वादे करने के बाद, इस्लाम में दाखिल होने के बाद, और इस्लाम में दाखिल होना वही कहें कि अक्सर हम बात करते होते हैं कि सालामा रूट वर्ड होता है इस्लाम, जिसे इस्लाम भी उसी से बना, मुसलमान भी उसी से बना, तो कह लीजिए मुस्लिम भी उसी से है। तो ये एक नकेल डाले ऊंट को कहा जाता है, जैसा कि एक जवान ताकतवर ऊंट है तो उसको नकेल डाली हो, उसकी नकेल जिस तरफ खींचो उस तरफ चल पड़ता है, अगर नकेल खींचो तो वो बैठ जाता है, नकेल खींचो तो वो चल पड़ता है, नकेल खींचो तो वो रुख फेर लेता है। इसी तरीके से जो इस्लाम है, सालामा रूट वर्ड से आया है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो इंसान है, दीन की नकेल इसके पास है, जिधर खींची जाए उधर अपना रुख कर ले, जिधर रोक दे उधर रुक जाए, जिधर चला दे उधर चल पड़े, ये दीन की नकेल के साथ इसका मामला जो जुड़ा हुआ और बंधा हुआ हो। तो यही मामलात आपके जानने वाले कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत से आप वादे कर चुके तो तब उन वादों को मजबूत करने के बाद तोड़ना नहीं है। ये जो इस्लाम का वादा, जो ला इलाहा इल्लल्लाह का वादा किया है, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का वादा किया है, ये छोटी सी बात नहीं है, ये जिंदगी का बहुत बड़ा सा मामला है। आप जानते हैं कि अफजलुज़िक्र किसको कहा जाता है, अफजलुज़िक्र जो होता है वो ला इलाहा इल्लल्लाह होता है, कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना, अल्लाह के साथ किसी को शामिल न करना, वो वाहिद है, वो वहदहु ला शरीक है, वो अल हय्यू अल कय्यूम है, वो कायनात का मालिक और उसी के लिए बादशाह हैं जमीनों आसमान की, कह लीजिए वो रब्बुल आलमीन है, उसी की इबादत करते रहना, जैसा कि वो सूरह फातिहा की आयत आती है और हर नमाज में खड़े होके हम सीने पे हाथ बांध के इस चीज का इकरार करते हैं, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, ए अल्लाह सिर्फ और सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, ए अल्लाह सिर्फ और सिर्फ तुझसे ही मदद चाहते हैं। इस चीज के साथ कह लीजिए अपने आप को साबित रखना, साबित कदम रहना। आगे जो मामला आता होता है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का आता है, यानी कह लीजिए जिस तरीके से ला इलाहा तौहीद का मामला आपके दिलों की अमानत होती है, ये दिलों में छुपा हुआ होता है, और मेरे नबी की सुन्नत हमारी जिंदगी गुजारने का तरीका होता है, वो जिंदगी में झलक में शामिल होनी चाहिए, सोने में, जागने में, उठने में, बैठने में, मुसलमान की जुबान में, मुसलमान के रवैये में, मुसलमान के कारोबार में, मुसलमान के दीन में, मुसलमान की सियासत में, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का शामिल होना। हकीकत में ये कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की तफसीर ही है।
तो इस कलिमे को अपनी जुबान से और अपने दिल से तौहीद का दामन पकड़ के रखना, और उसके बाद कह लीजिए मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके जो हैं उनको पकड़ के रखना, उन्हीं को जिंदगी का हिस्सा बनाना, यही आपकी जिंदगी का मामला है। और एतदाल का मामला ज़हन में रख लीजिए कि हर चीज में एतदाल की बात बताई गई है। उसकी राह क्या है, यानी दीन में भी आपको हदों से तजावज नहीं, एक हद है, उस हद के अंदर आप ने आपको गुजारना है। ऐसा ना हो कि इश्क मोहब्बत में हम एतदाल की राहों से आगे बढ़ जाएं, या कह लीजिए हम जिस तरीके से हमारे जिंदगी गुजारने के मामलात दिए गए हैं उस तरीके से हम उसमें एतदाल रखना, अदलो इंसाफ करना, और उसमें एक रवैया जो है वो बिल्कुल नॉर्मल रखना, ये कह लीजिए कुरान की आयत आपको मिलती है। अल्लाह के कुरान ने कहा था कि हाथों को बिल्कुल आपने खर्च करना है तो हाथों को बिल्कुल हथेलियों को खोल ना दीजिए कि बाद में आपको नदामत हो। और एक और बात बताई गई कि क्या करना है, अपने हाथों को गर्दनों के साथ भी ना बांध दीजिए कि खर्च ही ना करने चल पड़े। क्या करें, अपने आप को एतदाल की राहों पे रखें, यानी अल्लाह की राह में खर्च भी कीजिए और कुछ बचा के भी रख सकते हैं। एतदाल की राहों में रहना है ताकि बाद में मामलात हमारे लिए शर्मिंदगी के ना आ जाएं या नदामत के ना आ जाएं। कोई भी बात हो, दुनिया के कई मामलात हमारे बड़े जानने वाले और कई दफा सेंसिटिव भी मामले होते हैं, हमारी नादानियों की वजह से हमारे खुशियों के मामलात भी एतदाल से तजावज कर गए और हमारे गमियों के मामलात भी ऐसे ही करते हैं। इसी तरीके से हमारे रहन सहन के मामले भी ऐसे ही हैं, यानी एतदाल जो है वो नहीं रहा, हदों से तजावज हो रहा है। लिबास का भी मामला वही है, किरदार का भी मामला वही है। कभी कभी तो कह लीजिए हम रात भर जाग के रातों पूरी पूरी रात नवाफिल पढ़ते रहते हैं और अक्सर औकात हमारे फर्ज जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं, हम उनकी भी हिफाजत नहीं करते। और कई कई बार कह लीजिए हम नवाफिल के रोज़े रख रख के अल्लाह का कुर्ब पाने की कोशिशें कर रहे हैं और कई बार हम फ़राइज़ की तरफ भी तवज्जो नहीं दे रहे। जो हकूक व फ़राइज़ मेरे रब ने हमें दिए हैं, खुशियों के मामलात में जो निकाह को एलानिया करना था और निकाह के लिए कह लीजिए लोगों को दावत देनी थी, हम उन मामलात में रस्म व रिवाज को शामिल करके और अपने मर्जी के लोगों को बुलाने लग गए और अपने कह लीजिए हदों से तजावज ये हो गया कि हम उसको बहुत ज्यादा लेविश की तरफ जाके, इसलिए कि अगर लिमिटेड रखेंगे तो ज्यादा लोगों को शामिल कर सकेंगे। अगर आप राह को नहीं लेंगे तो तब आपको कम लोगों को बुलाना पड़ेगा। इसी तरीके से गमियों की भी मामलात हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीसें आती हैं, मेरे नबी के फरमान आते हैं, गमी के मामलात भी हदों से तजावज ना करना, नोहा करने वाले, सीना पीटने वाले, हदों से तजावज करने वाले, इनका मामला बड़ी सख्ती से मना किया जाता है। आंसू बह जाना या गम में रो लेना, इसकी कोई ममानत नहीं आई है, पर कहले अपने बाल बखेरना और अपने सर को पीटना, अपने सीने को पीटना, इन चीज़ों से मना फरमाया गया है। हदीस मुबारका के अल्फाज के मुताबिक मना फरमाया गया है। हमारी जिंदगी गुजारने के असूल मेरे नबी के फरमान हैं, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुअल्लम आज़म बना के भेजा है, उन्हें इमाम आजम बना के भेजा, इसलिए उनकी बात बातों की इमाम है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बातों की इमाम होती है और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कह लीजिए जिस तरीके से और अकवाल आपको मिलते हैं, बुजुर्गों के अकवाल मिलते हैं, मेरे नबी की बात और मेरे के अकवाल वो कह लीजिए वो उन अकवाल के पैगंबर होते हैं, इसलिए वो तरीका आपको दिया गया और उसी असलूब के मुताबिक आपको एतदाल की राहों पे रहना है। चाहे खाने पीने की बात हो, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो भी बता दिया, काफिर जो है वो सातों आंतों में पेट भर के खाना खाता है, मुसलमान के मैदे के भी तीन हिस्से होते हैं, वो एक हिस्से में खाना रखता है, एक में पानी और एक हिस्सा हवा के लिए हाली रखता है। इसलिए ये मामलात जो हमें सिखाए जा रहे हैं ये हम जान जाएं, सीख जाएं, तो यकीन जान जाइए जिंदगी भी खूबसूरत हो जाएगी और आखरत तो संवर ही जाएगी। जिंदगी को भी खूबसूरत करने के लिए, आखरत को भी सजाने के लिए यही मामलात हैं। जिंदगियों में एतदाल लेके आ जाइए। ये हदों से तजावज हमारी जिंदगियों को बड़ा ही दुश्वार कर गया है, बड़े ही मामलात हमारे मुश्किल तरीन हो गए हैं। तवाज़ो का तरीका सीख लो लोगों सुराही से, कि जारी फैज भी है और झुकी जाती है गर्दन भी। ये मामलात इतने जानने वाले हैं कि अपने अंदर
आजजी और इंतसारी पैदा करके अपने रब की राहों पे, उसके महबूब की राहों पे अपने आप को चलाते रहिए, अपने आप को लेके चलते रहिए। यानी कह लीजिए कि इसी तरीके से ही हमने अपनी इस्लाह करनी है और अपने हालात को और अपने वाकयात को नबी की सुन्नतों के ताबे करना है। इसलिए कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो चीज़ें आपके दरमियान में छोड़ के गए हैं। आप जानते हैं जो दो चीज़ें छोड़ के गए हैं, किताबुल्लाही व सुन्नती। मजबूती से पकड़ लीजिए और एक वक्फे के बाद दोबारा आपके पास हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। टेलीफोन कॉल्स ओपन हैं, जो बात करना चाहें कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं इतदाल की राहों की। ये रिमाइंडर ही होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कई मामलात की बड़ी समझ दी है। पर वही कह लीजिए कि अक्सर हम जब उस चीज़ में शामिल नहीं होते हैं तो शैतान का काम होता है, वो भुला देता है कुछ चीज़ें। तो ये रिमाइंडर जब हमारे कानों के ऊपर से गिरते रहते हैं, जैसा कि आप मिसाल पढ़ते होते हो कि ये पत्थरों के ऊपर भी कतरे कतरे पानी के भी गिरते रहें तो वो एक रास्ता बना लेते हैं, गिराफ सा पड़ जाता है। तो ये कह लीजिए कि जब हमारे दिलों को जंग सा लग जाता है, मामलात जब अल्लाह के जिक्र से खाली हुए होते हैं, तो ये अल्लाह के कुरान के जरिए से हमारे दिलों के ऊपर ये रहमत के कतरे गिरना ये एक बेहतरीन रास्ता भी बना देते हैं और खूबसूरत सा शिगाफ भी, जो सुन्नत और दीन के मुताबिक हो। तो इसी तरीके से बात हम कर रहे थे, जैसा कि पहले भी बात हुई है कि कुरान की कुछ आयात हैं जिनके मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुक्म दे रहा है कि अपनी जिंदगियों में, अपने मामलात में, अपने तरबियतों में, अपने खाने पीने में, अपने रहन सहन में, अपने रवैयों में एतदाल रखिए, अपने कारोबारों में, अपने बिजनेस में एतदाल रखिए। यानी ये जो आपका मामला मियाना रवि का मामला जो है, एतदाल का मामला जो है, ये आपको शर्मिंदा नहीं होने देता, आपको नादिम नहीं होने देता। जब हमारे हदों से तजावज होते हैं तो हम कह लीजिए कि रब की निगाह में तो होंगे भी, अपनी भी नज़र में हम शर्मिंदा होंगे। और ज़माने में भी कामयाबियां साथ नहीं चलती हैं, तब नाकामियां ही साथ चल पड़ती हैं जब हमारे मामलात में इतदाल नहीं होता। तो इसलिए ये एक गुमशुदा से ही मामले होते जा रहे हैं, उनको वापस अपने पास लेके आना और उनके जरिए से इस्लाह करना, ये हमारी कोशिशें ही हैं। और अल्लाह करीम हमारी उन कोशिशों को कबूल फरमाए। जैसा कि पहले भी हम बात कर रहे थे कि मेरे रब ने हमसे नतीजे अहज नहीं किए, नतीजे नहीं मांगे, उसने हमसे कोशिश की ही डिमांड की है और हमें कोशिशें ही करनी है। नतीजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कामयाब कर दे इन कोशिशों में। कुरान की कुछ आयात लेके चलते हैं हम। सूरह शूरा आती है कुरान की, उसकी आयात आती है। अल्लाह का कुरान कहता है फलिजाली का फद, इसी तरीके से आप दावत देते रहिए, आप पुकारते रहिए, आप अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाते रहिए। वस्तकिम कमा उमिरता, बड़े जानने वाले अल्फाज आते हैं, वस्तकिम और खुद जो है इस्तकामत रखिए, इस्तकामत पजीर रहिए, कमा उमिरता, जैसा कि आपको हुक्म दिया गया है। ये सबसे बड़ा मामला कि हमारे मामलात में इस्तकामत नहीं आ रही, साबित कदमी नहीं आ रही। ऐसे ही है जैसे कि कह लीजिए कि स्लिपरी से रोड के ऊपर हम चल रहे हैं, कभी इधर स्लिप हो जाते हैं, कभी उधर स्लिप हो जाते हैं। ईमान वाले और दीन वालों की ये सिफात नहीं होती, उनके तो बड़े पुख्ता से रस्ते होते हैं, उनके तो कदम भी बड़े मजबूत से होते हैं, उनके कदम जो हैं वो दीन की राहों से फिसलते नहीं हैं, दीन और नबी की सुन्नतों के तरीकों से फिसल के कहीं उतरते नहीं हैं, वो उन्हीं रस्तों के ऊपर मजबूती से चलते रहते हैं। जैसा कि आप कुरान की आयात में पढ़ते होते हो कि अल्लाह के हुक्म आ रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म है कि मुस्तकीम यानी इस्तकीम साबत कदम रहिए और कह लीजिए कायम रहिए। आपका कुरान कहता है कि क्या है, कमा उमिरत, जैसे अल्लाह हुक्म दे रहा है उसी तरीके से आप भी इस्तकामत रखिए। वला तत्तबी अहवाअहुम, ये बड़ी जानने वाली बात है कि ख्वाहिशों की तबाह ना करना। आप जानते हैं कि ख्वाहिशों के मामलात नफ्स के भी अकसाम होती हैं, नफ्स की तीन अकसाम बताई जाती हैं, नफ्स अम्मारा भी है, नफ्स लवामा भी है और नफ्स मुतमइन्ना भी है, जिसकी तारीफ अल्लाह के कुरान ने सूरह फजर की आखिरी आयात में की थी। और नफ्स अम्मारा
यानी क्या लीजिए, जो बुराइयों की तरफ उभारने वाला और खूबसूरत करके दिखाने वाला और बुराइयों की तरगीब देने वाला और बुरी राहों की तरफ आपको क्या लीजिए चलाने वाला, उसकी बात होती है। नफ्स लवामा होता है जो आपको मलामत करने वाला नफ्स होता है, और इसकी कसम भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में खाई है, यानी जो बुरी चीज़ों के ऊपर, नापसंदीदा के ऊपर, कह लीजिए हराम के ऊपर, नकारा के ऊपर आपको मलामत करे और रोके कि ये बुरा काम है। इसी तरीके से नफ्स मुतमईना की बात आती है। एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करने के बाद दोबारा बात को जारी रखेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम। मेरा सवाल ये है कि जिस वक्त आपका दर्द हो रहा है उस वक्त क्या हम जिक्र अल्लाह कर सकते हैं? जी मैं अभी जवाब देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो ये कह लीजिए कि आप जो जिक्र सुन रहे हो अगर तो वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप जिक्र अल्लाह ही कर रहे हो, इसमें आपके कान जिक्र अल्लाह में मुलव्वस हैं। और जब आप कोई रब की बात सुन रहे हो तो वो सुनने से आपके दिल की कैफियत तब्दील होती है, कुछ मोहब्बतें उसमें आती हैं, कुछ किसी बात के ऊपर कह लीजिए आप अपने आप को रोकते हो, तो ये आपके पूरे के पूरे आजाद जिक्र अल्लाह में मसरूफ हैं, ये जिक्र अल्लाह ही हो रहा है। कुछ कह लीजिए अगर आप कुरान और सुन्नत को सुनने में मशगूल हैं और उस बात को अपनी इस्लाह के लिए ले रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जिक्र अल्लाह है। इसके अलावा अगर आप ये चाह रहे हैं कि हम कोई हाथ में तस्बीह भी पकड़ लें और साथ इस्तगफार भी करते रहें या ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ते रहें और साथ हमारे कान दीनी और इस्लामी बात सुनते रहें तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी किया जा सकता है। पर एक चीज यहाँ पे आपकी बात के साथ ही मैं ऐड कर दूंगी, इसलिए थोड़ा सा इस्लाह का ही मामला होता है कि ये मामला जो मना वाला है वो ये है कि दुनियादारी के मामलात हम देखते रहें, यानी कह लीजिए अगर हम कोई ड्रामे और कोई फिल्में और कोई उस तरीके के प्रोग्राम देखते जा रहे हैं और साथ जिक्र अल्लाह शामिल है तो ये जिक्र अल्लाह की बेअदबी होती है, ऐसे नहीं करना। अगर जिक्र अल्लाह की ही बात सुनते जा रहे हैं और साथ आपके हाथों में तस्बीहें भी जिक्र अल्लाह ही कर रही हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो सोने पर सुहागा होता है। और अल्लाह करीम हमें तौफीक दे कि हम अल्लाह के जिक्र में ही मशगूल रहें और अल्लाह करीम हमारे इस वक्त को भी कबूल फरमाए। जी तो हम बात कर रहे थे नफ्स के बारे में कि नफ्स लवामा जो आपको मलामत करता रहता है कि बुरी चीज से रोकने वाला और बुरी चीज से दूर हटाने वाला। फिर जब इंसान नफ्स अम्मारा जो है, जो बुराइयों की तरफ रगबत दिलाने वाला था, उसको छोड़ देता है, उसकी बात नहीं मानता, नफ्स लवामा के मुताबिक कह लीजिए अगर वो किसी चीज से इसको मना करता है तो ये रुक जाता है और उस मलामत को लेके अपने लिए अपनी इस्लाह फरमा लेता है, तो कह लीजिए इसकी इस्लाह होते 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 ये उस मुकाम पे पहुंचता है जब सूरह फजर की आयत आती होती है, या नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ नफ्स मुतमइन्ना दाखिल हो जा मेरी जन्नतों में, दाखिल हो जा मेरे बंदों में, ये कह लें कि वो फिर इतनी प्यारी सी आयत को की आती होती हैं, तो वो नफ्स मुतमईन्ना होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा के आगे उसने इत्मीनान पकड़ लिया, वो मुतमईन हो गया। बड़ा खूबसूरत सा एक वाकया ज़हन में आ रहा है, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर की बात है। तो गुजर रहे थे एक रस्ते से, तो एक रस्ते से गुजरते हुए अपना कह लीजिए कि अपना काफिला भी साथ था, तो गुजरते हुए देखा बड़ी गर्मी की दोपहर की थी और धूप भी और गर्मी भी काफ़ी थी, तो सोचा कि कहीं किसी दरख्त के नीचे थोड़ी देर कयाम करते हैं, कहीं थोड़ी देर ठहरते हैं। तो ठहरने के लिए रुके, वहां पास से दूर से कोई जो था एक चरवाहा गुजर रहा था और धूप बड़ी ज्यादा थी, गर्मी बड़ी सख्त थी और वो अपने उन्हीं भेड़ों के मामलात में मशगूल था और उनको लेके चलता जा रहा था। तो इन्होंने उसको दावत दी कि आप आ जाओ हमारे साथ, आप आके खाना खा लो। तो उसने कहा कि मैं खाना नहीं खा सकता इसलिए कि मैं आज रोजे से हूं। तब इन्होंने पूछा, अभी एक कॉलर मौजूद है, बात करने के बाद दोबारा अपनी बात को जारी रखेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या पूछेंगे आप, कैसे हैं? सिस्टर मैं पूछ रहा हूं ला औला वाला कुआ का इल्ला बिल्ला का मीन क्या है? जी मैं अभी आपको बता देती हूँ।
ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, ये जन्नत के खजानों में से एक खजाना है। ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अर्श के खजानों में से एक खजाना आपको तोहफा दिया है, और वो ये कलिमा है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। ला हौला वला कुव्वता, कोई घेर नहीं सकता और ना ही किसी में ताकत है सिवाय अल्लाह के। अल्लाह के सिवा किसी में किसी को रोकने की, किसी को घेरने की कोई ताकत, कोई हथियार नहीं है, कोई शर उसके करीब नहीं आता। ये कलिमात आपकी जुबान से निकले तो शैतान कोसों दूर भाग जाता है, कोई शर आपके करीब नहीं आता, वो दूर हो जाते हैं। इसलिए कि ये इतने बड़े से अल्फाज आपने बोल दिए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, किसी में इख्तियार नहीं, कोई इहाता नहीं कर सकता, कोई घेरा नहीं कर सकता, और ना ही किसी के पास कोई ताकत है इस इंसान को घेरने और रोकने की। मेरे रब के पास ताकतें और हथियार हैं, हमें उतनी ही तकलीफ पहुंचती है जितना हमारा रब चाहता है। किसी में कोई हथियार और ताकत नहीं है, इल्ला बिल्ला, सिर्फ अल्लाह है जो हर चीज के ऊपर घेरा किए हुए, इहाता किए हुए और हर चीज के ऊपर कुव्वत और हथियार रखने वाला है। इस कलिमे को अक्सर पढ़ते रहा कीजिए, ये जन्नत के खजानों में से एक खजाना है, आपको हर शर से भी महफूज रखता है। और इससे बड़ा खजाना आप जानते हैं ना, जब आपको खजाना मिल जाए, अगर दुनिया का खजाना मिल जाए तो गुर्बतें खत्म हो जाती हैं, और जब अल्लाह के मालिक जो दुनिया का है, कायनात का मालिक आपको कोई खजाना दे दे, तो उसकी कोई नेमत अगर एक करंसी, एक सिक्का, एक अशरफी भी मिल जाए तो वो कायनात की कीमत से ज्यादा भारी होता है, वो ज्यादा है आपके लिए। तो वो बहुत बड़ी सी चीज है जो हमें मिल जाए, जिसको वो मिल जाए उसको किसी और चीज की कमी नहीं रहती और जरूरत भी नहीं रहती। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करीम हमें इन अल्फाज को जुबान से दोहराने वाला बनाए। अब हम बात कर रहे थे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर के वाके की, कि जब चलते जा रहे थे तो चरवाहे को देखा था, तो उसको बुलाया था, उसको बोला था आओ हमारे साथ खाना खा लो, इसलिए कि मुसाफिर जब बैठे थे तो उसको भी मेहमान गुजर रहा है साथ से, तो उसको खाने के लिए बुलाया। उसने एक जवाब दिया था बड़ा जानने वाला, उसने कहा था मैं आज रोजे से हूँ। तो तब इन्होंने सोचा कि इतनी सख्त गर्मी में, इतनी मुशक्कत के दिनों में, और ये फर्ज रोजों का महीना भी नहीं है तो ये रोजा रखे हुए, तो उससे पूछा था कि रोजा किस चीज का रखा है, इसलिए कि गर्मी भी बड़ी सख्त है और फर्ज रोजे भी नहीं है, तो कौन सा रोजा आपने रखा है। तो उसने बताया था मैंने रोजा उन दिनों के लिए रखा है जो मैं कहीं अगर जिंदगी के मामलात में मसरूफ हो जाऊं, कहीं बीमार हो जाऊं, मैं ना रख सकूं, तो आज अल्लाह ने मुझे सेहत दी है, तो इसलिए मैंने अपने उन के लिए फारग और खाली दिनों के लिए आज रोजा रखा है। बात को जारी रखेंगे, अभी एक कॉलर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो, ठीक हो आप? आपकी दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है, हम देखते हैं। बेटा मैंने ये पूछना था कि जो हम कोई अमल करते हैं तो वो सबसे अच्छा अमल कौन सा, वो बताए हमें, वो हम करें, ठीक है? बड़ी प्यारी सी एक मुझे बात याद आई है, और कुरान की ही एक आयत है, वो कह लें कि आपके सवाल पूछने के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत ज़हन में डाल देता है, बाज़ दफ़ा आपके ज़हन में कोई बात जो है उस वक्त नहीं आ रही होती। ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने एक दिन इरादा किया था कि हम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं और जाके पूछते हैं कि हम कौन सा ऐसा अमल करें जो अल्लाह को बड़ा महबूब हो, जो बड़ा पसंदीदा हो, जो बड़ा बेहतरीन हो, हम कौन सा ऐसा काम करें। हम जाके आज अपने हबीब से पूछ के आते हैं कि ऐ अल्लाह के हबीब हमें बताइए हम कौन सा अमल करें जो बड़ा बेहतरीन और बड़ा महबूब और अल्लाह को बड़ा पसंद हो। वो जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे तो तब कह लीजिए कुरान की आयात आई हैं, वो आयात कहती हैं ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, लीमा तकुलून, क्यों तुम ऐसी बातें कहते हो जो तुम करते नहीं। ये कुरान की आयत उतरी थी कि ऐसी बातें, खाली बातें ना करो जिसमें तुम्हारा अमल शामिल ना हो। तो इसलिए जो भी आपने ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है तो साथ अमल को जारी कर लीजिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहना है तो साथ अमल को जारी कर लीजिए। यानी सिर्फ बात से जिक्र अल्लाह ना हो, आपके लिए बेहतरीन जिक्र अल्लाह वो है जो अमल से जारी हो जाए। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफीक दे। एक और कॉलर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम।
जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी जी, क्या हाल है, क्या पूछेंगे? जी यासमीन सभा बोल रही है माशाल्लाह। जी 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 हाँ जी जी, मैंने ये पूछना था, ये इबादत का जिक्र हो रहा है जैसे आप कह रही हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जिस तस्बीह जो हम करते हैं, ये आपने बताया कि टीवी के सामने बैठ के नहीं करनी चाहिए, है ना जी? अच्छा, दूसरा मैंने ये पूछना है कि जब जी भी फिर से इबादत बोलिए। करम अल्लाह मियाँ को होता है, खूब इबादत का, शैतान साथ साथ रहता है, कोई ऐसी चीज शैतान को भगाने के लिए प्लीज बताएं। जी, मैं आपको बताती हूँ, मुझे पहली बात की समझ नहीं आई है, आपने जो पहले कहा है ला हौला आपने वला बताया कुव्वता ना इल्ला कि बिल्लाह, तस्बीहें ड्रामे अगर देखो तो नहीं करनी चाहिए, जी अगर आपका जिक्र अल्लाह का जिक्र हो तो फिर तो तस्बीहें करे सोने पे सुहागा है, अगर अल्लाह का अच्छा जिक्र अच्छा नहीं, हम ठीक वैसे टीवी के आगे बैठे हैं तो तस्बीहें तो नहीं ना फिर करनी चाहिए आप। मैं आपको भी बता देती हूँ, बड़ी अच्छी आप बात पूछ, पर थोड़ा सा हमारा सोचने के महवर को तब्दील करना है, तब तस्बीह करनी चाहिए, ड्रामा बंद करना चाहिए। यानी मेरा मकसद था कि दुनिया के मामलात में जब मशगूल होते हैं तो सिर्फ रस्मन रस्मन अस्तगफार नहीं पढ़ते रहना, यानी अगर आप अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं तो जो दुनियादारी के वो मामलात जो आपकी इसलाह नहीं कर रहे उनको रोक दीजिए, जिक्र अल्लाह कीजिए। अगर मामलात या प्रोग्राम ऐसे हैं जिसमें जिक्र अल्लाह ही हो रहा है, अल्लाह और अल्लाह के हबीब की बात हो रही है, तो तब दोनों को साथ रख सकते हैं। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि ड्रामा फिल्म या टीवी के वो प्रोग्राम लगे हैं जो नाजेबा मामलात हैं तो हम उनको देख लें तो तस्बीह को रोक दें, नहीं, उन चीजों को रोकना है नाजेबा को और तस्बीह को जारी रखना है। तो दूसरे नंबर पे आपने जो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला की बात की है, ये आप जितनी दफा भी चाहें उसको पढ़ा जा सकता है, इसका कोई ऐसा मामला नहीं है, और अगर तस्बीह पूरी पढ़ते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, गिनती की रब को जरूरत नहीं है, रब को हमारी मोहब्बतों के वजन चाहिए, यानी चाहे एक बार भी अगर हम पढ़ते हैं तो उस बात में वो वजन और वो मोहब्बत और वो सच्चाई हो कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, कि है ही नहीं ताकत, ऐसे ईमान को ताजा कर देने वाला जज्बा साथ आए, तो तब आपके लिए बड़े खूबसूरत से मामलात हैं। जी एक और कॉलर मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बाजी, आप प्रोग्राम बहुत बहुत ही अच्छा है और आपका जो तर्ज़ बयान है वो भी दिलों पे बहुत असर करता है, अल्लाह ताला आपको और भी इसमें अजर व सवाब दे। आमीन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पूछेंगे? जी मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा प्रोग्राम से रिलेटेड तो नहीं है, मेरा सवाल यह है कि ये जो गोल्ड है सोना, वो तो मर्दों को पहनना जायज नहीं है, लेकिन ये जो आजकल एक व्हाइट गोल्ड है, क्या इसको मर्द पहन सकते हैं, जैसे शादी ब्याह में कोई रिंग वगैरह मर्द पहन सकते हैं, कि इसके बारे में क्या थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दें। मैं अभी बता देती हूँ जी, जो ला हौला वला कुव्वता वाला पहले सिस्टर पूछ रही थी कि उसको पढ़ने के बारे में आ रहा था कि कितनी बार पढ़ना है, ये कैसे बोल रहे थे उसका तर्जमे वगैरह का, तो उसकी बात कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, अल्लाह रब्बुल इज्जत के सिवा किसी में ना कोई कायनात का इहाता कर सकता है, ना किसी चीज़ का इहाता कर सकता है, और ना किसी में ये ताकतें हैं, इल्ला बिल्ला, मगर मेरे रब में ये ताकत है कि वो कह लीजिए जिस चीज़ को चाहे जब चाहे उस मामले को जारी कर दे। आप बोल रहे थे कि कोई भी हम जिक्र करते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं तो शैतान शामिल हो जाता है, इसकी बात अब मेरे जहन में आ रही है कि मुझे पहले जहन से निकल गया था आपका क्वेश्चन। वो जो बात आपने पूछी थी उसके बारे में एक सवाल मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनके साथी भी लेके आए थे कि अल्लाह के रसूल, अगर शैतान हर वक्त शामिल है हमारे साथ, जिस्म में खून के साथ भी जारी हो जाता है, तो फिर हम क्या करें कि उसको अपने से दूर कर दें? तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कुरान को अपने दिल में इतना जारी कर दीजिए, अपने खून में जारी कर दीजिए कि शैतान को रहने की जगह ही ना मिले। शैतान दूर हट जाता है, शैतान को दूर हटाया जा सकता है। आप जिक्र अल्लाह जब करते हैं और आपके दिल भी और आपके जाहिर और बातन दोनों जब मुलव्वस होते हैं, तो शैतान सिर्फ दूर खड़ा रह के वसवसा डाल सकता है,
आपके ऊपर कोई उसको हथियार नहीं है, उसका आपका ना आपका हाथ पकड़ के किसी जगह पे रख सकता है, ना आपके अल्फाज आपकी जुबान से निकलवा सकता है, ना आपकी आंख को कहीं पे उठा सकता है, ना आपकी आंख को नीचे कर सकता है, उसमें ये हथियार नहीं है, वो सिर्फ वसवसा है। तो वसवसा जो है उसको हटाने के लिए आप जिक्र अल्लाह में अपने आप को जारी रखिए, जब भी वसवसे आए आप अपने आप को जिक्र अल्लाह में ले जाइए और बेहतरीन कलिमात आपके पास, बावजू रहिए शैतान, जब वुजू खत्म होता है तब उसकी गिरफ्त आपकी होती है आपके ऊपर। तो इसलिए कोशिश ये करनी है, जितने आप अज़कार करते रहेंगे, जितनी दुआएं पढ़ते रहेंगे, वो आपके साथ दूर खड़ा रह के आपको कह लीजिए वसवसे डालेगा, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकेगा, उसका आपके ऊपर इख्तियार नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का इख्तियार है। तो आगे जो सिस्टर पूछ रही थी सोने के बारे में, बिल्कुल सही आप कह रही हैं कि हदीसे मुबारका के मुताबिक एक साथी थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उन्होंने ये एक सोने की अंगूठी पहनी थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको उतार के जब दूर फेंक दिया था, तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए थे तो साथियों ने उनसे कहा था कि आप इसको उठा लीजिए और जाके अपने घर वालों के लिए कुछ ना कुछ और इस्तेमाल कोई चीज़ ले लीजिए, इस्तेमाल की इसको बेच के। तो उन्होंने फरमाया था, ये नबी की मोहब्बतें होती हैं, उन्होंने फरमाया था जिस चीज को मेरे आका ने मेरे हाथ से दूर कर दिया है मैं उसको हाथ नहीं लगाने लगा। एक और तफसीर आप ले लीजिए कि तफसीर में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मर्दों को सोना पहनने से मना किया है, जो अल्लाह के इस हुक्म के मुताबिक अपनी जिंदगी में सोना ना पहने कि मेरे रब ने मना फरमा दिया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको कयामत के दिन सोने के कंगन और सोने के जेवरात पहनाएंगे। आप जानते हैं ना सोने के जेवरात अल्लाह की तरफ से किस जगह पे पहनाए जाने हैं, वो जन्नतों में पहनाए जाने हैं। इसका मतलब कि इस अमल के ऊपर भी अगर वो पोहता हो जाए तो जन्नतों में अल्लाह की तरफ से दिए गए सोने के कंगन उसे पहनाए जाएंगे। तो सोना पहनने से मना किया गया है, सिल्वर पहना जा सकता है, चांदी पहनी जा सकती है, प्लेटिनियम के बारे में जो बात आती होती है वो कह लीजिए वाइट गोल्ड कहलाता है। अगर वो प्लेटिनियम जो है नॉर्मली अगर वो गोल्ड नहीं है, येलो गोल्ड सोने को जो कहा जा रहा है उसकी बात होती है, जो कह लें कि आपके लिए नॉर्मली तो येलो गोल्ड को रोका जा रहा है, अगर प्लेटिनियम को पहनना कोई चाहे तो पहन सकता है, अगर कह लीजिए इसलिए कि वो हदीस मुबारका में उस सोने को शामिल नहीं किया गया। अगर आप तकवा की बुनियाद पे देखते हैं या तकवा की बिना पे बात करते हैं तो कह लें कि जब सिल्वर तो आपके नबी की सुन्नत भी है, इसलिए कि चांदी की अंगूठी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी पहनी थी, तो अगर आप चांदी को पहन लेते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप गोल्ड की हार से कह लीजिए, चाहे ब्लैक गोल्ड हो, चाहे सिल्वर गोल्ड हो, चाहे उसका येलो गोल्ड हो, अगर गोल्ड को रोक देते हैं मेरे रब के पसंदीदगी की वजह से, जैसा कि आज भी आपने कुरान की आयत पढ़ी थी कि मुनकर से अपने आप को रोक दीजिए, तो अगर आप रोक देते हैं तो आपको वहां पे ये जेवरात पहनाए जाएंगे, यहां जहां पे चंद लोग देखने वाले नहीं होंगे, जहां पे पूरी दुनिया के लोग जन्नत अहले जन्नत देखने वाले होंगे कि आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से सोने के जेवरात पहनाए गए हैं। कोशिश ये कीजिए कि हर तरह के सोने से अपने आप को बचा के रखिए और पूर उम्मीद रहिए कि आपका रब जन्नतों में आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर देगा। तो दूसरा, सिल्वर के लिए सुन्नत है, वो पहना जा सकता है। हम वाक्या कर रहे थे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर का, उस वाक्य को उस बात को साथ लेके चलते हैं। तो क्या कहा था उस शख्स ने, कहा उस चरवाहे ने कहा कि आज तो मैं रोजा, तो आपने पूछा था कि रोजा किस चीज के लिए रखा, तो उसने कहा मैं जिंदगी के खाली अय्याम के लिए रोजा रख रहा हूँ कि जिंदगी में बीमारी में या किसी भी बुढ़ापे में अगर खाली अय्याम आ जाते हैं जिसमें मैं रोजा ना रख सकूं तो आज मेरे अंदर जवानी और ताकत है तो इसलिए मैं रोजे रख रहा हूं। अगला जुमला जो आपको साथ शेयर करना था वो ये था कि इतना खूबसूरत हजरत अब्दुल्ला बिन उमर को उसकी ये बात लगी और उसका ये मामला लगा, ऐसे ही दिल में हयाल आया तो उससे कहा अच्छा फिर एक भेड़ जो तुम्हारे पास है वो हमें बेच दो, हम उसको ज़बह करके तो अपने खाने का इंतजाम कर लें। उसने कहा मैं इसका मालिक नहीं हूँ, मैं बेचने नहीं लगा, मैं तो चरवाहा हूँ, मैं इसकी देखभाल के लिए आया हूँ, बेचने और खरीदने का फैसला तो मालिक का फैसला होता है। दिल को और प्यारी बात लगी उसकी, तो कहा मजाक में उससे कहा कि ऐसा भी तो होता है कई दफा तुम गुजर रहे होते हो पहाड़ियों से, तुम्हारी कोई भेड़ बकरी नीचे गिर जाती है तो वो मर जाती है, तो कहना जाके क्योंकि गिर गई थी तो फिर मुझे मिली नहीं है, तो ऐसा भी तो कर सकते हो। तब उसने कुछ अल्फाज बोले थे, उसने अल्फाज बोले थे अईनतल्लाही, फिर अल्लाह कहाँ है। उसने
कोई भी जो भी एक्सप्लेनेशन नहीं की, ये उसका एक छोटा सा जुमला था कि अगर मैं ऐसा अमल कर दूं कि भेड़ गिरी नहीं है और मैं बेच दूं और गलत बयानी से काम लूं, तो फिर अल्लाह कहाँ है? मेरा रब हर वक्त मौजूद है, हर वक्त देखने वाला है। अपने रवैयों को बेहतर कर लीजिए, अपने मामलात को बेहतर कर लीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हुक्म दे रहा है इतदाल का, अपने रवैयों में नरमियों का, अपने रवैयों को दरमियानी राह पे रखने का, मियाना रवैयों के हुक्म देता है, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को कीजिए। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म है। तो ये कहें, ये बात इतनी खूबसूरत उनको लगी और उसकी शख्सियत कि जाके ये सारी की सारी बकरियों का रेवर खरीदा भेड़ों का और उस शख्स को इनाम में दे दिया कि ए अल्लाह के बंदे, तेरे लिए यही जरूरत थी, तो तू ये इनाम हमारी तरफ से कबूल कर ले। इसी तरीके के रिमाइंडर हम लेके आते रहेंगे और कोशिश करते रहेंगे कि अपनी ज़िंदगी को सजाने और संवारने की और अपनी इसलाह करने की, इसलिए कि ये सबसे ज़रूरी मामला है अपनी इसलाह करने का। अपनी मामलात में, अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखा कीजिए और कबूलियत की भी दुआ किया कीजिए। अल्लाह करीम हमारी कोशिशों को कबूल फरमाए। इस्लाम चैनल उर्दू वालों के लिए भी दुआ कीजिए, मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह करीम हमारी इस्लाह फरमा दे, हमारे कदमों को साबित कदम बना दे। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।